हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज बराबर आ रही है आप लोग तक? यस सर। ओके। आप बोर्ड और क्लीन दिख रहा है आपको अच्छे से? ओके, यस सर। चलिए। हमारा चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग, और मैंने लास्ट क्लास में आपको ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं, एटम एलिमेंट वो बात समझाई थी आपको, और ऑक्टेट थ्योरी की बात समझाई थी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो बात समझाई थी आपको। ठीक है, चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और हम ही सॉल्व करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है? क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट हाउ एंड व्हाई, दोनों अब कैसे कंप्लीट करता है और क्यों कंप्लीट करता है? क्यों का आंसर तो ये है कि भाई वो ऑक्टेट कंप्लीट करना ही चाहता है, स्टेबिलिटी के लिए कैसे कंप्लीट करता है इस बात पर ध्यान देना है। चलिए देखते हैं कैसे कंप्लीट करता है, ध्यान से समझिए। कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2, ये इसका वैलेंसी सेल, ये वैलेंसी सेल, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 2, ये 1 और ये 2, ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। आप इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि नहीं, ये देखिए आप इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आपने स्ट्रक्चर बना दिया। ऑक्सीजन देखिए 8, 1s2, 2s2, 2p4, तो बच्चों 2s, ये देखिए 2s, ये और 2p4, 1, 2, 3, बताइए मैं चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पे लिखूं, यहां लिख दूं या यहां या यहां, कहां पर या किसी भी ऑर्बिटल में लिख सकता हूं? आंसर सर स्टार्टिंग दीजिए। स्टार्टिंग में सर क्या मैं यहां नहीं लिख सकता हूं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन को? जल्दी बताइए। नो अरे क्या सर बात कर दी बच्चों, ये तीनों की एनर्जी नहीं। इक्वल है, पीएक्स, पीवाई, पीजेड, तीनों की एनर्जी इक्वल है, तीनों की एनर्जी, आप पीएक्स इसको भी बोल सकते हो, पीवाई इसको भी बोल सकते हो, पीजेड इसको भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही पीएक्स है ये पीवाई, आप किसी को भी मान लो, तीनों की एनर्जी इक्वल है। आपने कौन सा लॉ पढ़ा है पता है? अरे लॉ तो बोल दो, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आज जाके हंट्स रूल की क्लास अटेंड करिए, लॉ हंट्स रूल की क्लास करिए। चलिए देखिए इधर, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड बन जाएगा, दिख रहा है बॉन्ड बनते, ये देखिए ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन नॉर्मल बॉन्ड बन जाएगा बच्चों, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन नॉर्मल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां पर मैं ऑक्सीजन बना रहा हूं, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ये देखिए ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, ऑक्सीजन कंटेंट 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये दो बॉन्ड आपके सामने है, ये दो बॉन्ड आपके सामने है बच्चों। और ये देखिए कार्बन का एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है और ये इस पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको डोनेट कर देगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ऐसा भी आप बना सकते हो, थोड़ा मैं इसको इधर लिख देता हूं, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया, ये ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, ये देखिए ये चला गया इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह से बॉन्ड बना सकता है। और ये आपको यहां दिख रहा है, ये एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है इसका, ये दिख रहा है ये वाला पेयर, और ये वाला पेयर ये दिख रहा है इसका, ये देखिए ये वाला दिख रहा है, और ये पेयर एक डोनेट कर दिया, ये पेयर डोनेट कर दिया, कितने बॉन्ड बन गए देखो, 3। अब काउंट करो, अब काउंट करो अच्छे से, ये जो है अब इन दोनों के बीच में है, जैसे ये देखिए ये पूरा इनके बीच में ऐसा, ये तो कार्बन के पास देखिए 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन इतने, अब ये इसके पास नहीं, ये बॉन्ड बन चुका है, ये बॉन्ड बन चुका है, कौन सा बॉन्ड है ये बताइए?
क्या नाम बोला था मैंने इस बॉन्ड का? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको बॉन्ड को बोलते कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता। आप देखो दोनों के आउटर मोस्ट सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो। ये दो अपने इसके कार्बन के, ये दो बॉन्ड के, ये दो बॉन्ड के और ये दो बॉन्ड के, दो चार छ आठ। इसको देखो दो चार छ और ये आठ, ये दोनों के बीच में है। इस तरह से आपको बात समझनी होगी। बोलो समझ में आया, अपडेट हो गया कंप्लीट सबका? यस और नो? सर रिपीट कर दीजिए फिर से। क्यों कर दे रिपीट बताओ? एक बार में समझना होगा। देखो ध्यान से, यार उटल खाली पड़ा हुआ है और सब जानते हैं 1s2 2s2 2p2 कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? आउटर मोस्ट शेल में चार। देखो 1 2 3 4 ये खाली पड़ा है। फिर देखो 1s2 2s2 2p4 कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 3 4 5 6 6 है। आप इस इलेक्ट्रॉन को इसमें भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो, इसमें भी। बता सब की एनर्जी बराबर है, समझो। तो टेंशन मत लो। एक एक इलेक्ट्रॉन ये नॉर्मल बॉन्ड बन गया, एक एक इलेक्ट्रॉन ये देखो ये नॉर्मल बॉन्ड बन गया और ये वो बॉन्ड है। अरे यार मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मान लो ये खाली पड़ा है जेब। बोले बता दिया यार ये जेब खाली पड़ा है। बोले तू चिंता मत कर मेरे पास है, ठीक है मैं तेरे ऊपर खर्च कर दूंगा। तो बस अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के हो गए, ये ऐसा बॉन्ड है कोऑर्डिनेट, पर दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और इसके बीच में भी हैं। ये ऐसा इसी के लिए नहीं है केवल। तो आपको ये बात समझनी होगी। बोलो समझ में आई कि नहीं? यस सर। बोलो समझ में? बस इतना सा काम था, हो गया अपना। चलो और सब लोग इतने कंसंट्रेट होके समझो कि पवन सर को एक बार बोलना पड़े और बोल दो हाँ आ गया। चलो अब तो लिखो जल्दी से। तो कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, यहां इस डिजाइन से भी समझा दिया और इस डिजाइन से भी समझा दिया। तो लिखिए जल्दी। धीरे धीरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ आने लगेगा। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल को दे दे कोई एटम तो उससे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। व्हेन लोन पेयर इज डोनेटेड टू द वैकेंट ऑर्बिटल द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्मड। समझ आया कि नहीं अब बताओ मेरे को? यस सर। यस सर। सब लोग को अच्छी तरह से क्लीन कर दूं? यस सर। यस सर। चलो अब थोड़ा ऐसा समझ आने लगा आप लोग को, कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइंट क्लियर हो गया। चलो अब मैं तुमको बताता हूं, क्वेश्चन है मेरा, राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे समझना है कि मैं क्या इसको कर रहा हूं, इसको कैसे बनाना है, इसको बहुत अच्छे समझना। देखो इधर H3PO4 बेटा फास्फोरस पर पहले गिन लो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको याद है 5 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस पर। ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये, और हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये पहले बना लिया अपन ने। फास्फोरस सेंट्रल एटम है, इसी से सब, क्योंकि एक है बाकी सब इसी से जुड़े हुए हैं,
और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। यहां पर देखो ये फास्फोरस बच्चों सबसे पहला काम फर्स्ट आपका यहां पर रोल होना चाहिए। इधर देखिए सब लोग बहुत ध्यान से, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है जल्दी बताओ, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है दो। ये देखिए दो बॉन्ड ऐसे बना देंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे। तब फास्फोरस के एसिड में सबसे पहला काम ये डबल बॉन्ड पहले बनाएंगे, फिर ये ऑक्सीजन देखिए अगर ऑक्सीजन के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब बहुत ध्यान से देखना ये छह इलेक्ट्रॉन इस तरह से, तो एक बॉन्ड इधर बनेगा, इधर एक बॉन्ड बनेगा ये ऑक्सीजन से, ये दूसरा। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, दूसरा काम ये करेंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे कि पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड बना ले, और दूसरा काम ये करेंगे एक पी ओ एच बॉन्ड बना ले। ये दोनों सबसे पहले, ये नीट में पूछा गया है, ये नीट में आया सीधा। तो पहला काम पी डबल बॉन्ड और दूसरा काम पी ओ एच। बच्चों देखो इधर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, देखो इधर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, कौन बोलेगा ऑक्सीजन की वैलेंसी बोलो। से टू वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ये देखिए टू, बिल्कुल सही टू, दो बॉन्ड है। यहाँ बोलो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है इसमें, से टू टू ऐसी है अभी, ये ऐसी वैलेंसी है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन वन है। फिर तीसरी बात, अब आपके पास ऑक्सीजन कितनी है चार और हाइड्रोजन कितने तीन, तो यहाँ देखो सब लोग ये एक ऑक्सीजन हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी ऑक्सीजन बना रहा हूं मैं, ये देखो ये ऑक्सीजन तीसरी, छह इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन जोड़ दीजिए इससे एक इलेक्ट्रॉन, फिर से ऑक्सीजन के पास छह इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बच्चों, और हाइड्रोजन के पास एक होता है ये जोड़ दीजिए, ये देखो तैयार। कैसे काम करना है, पहला काम दूसरा काम, पहला काम दूसरा काम, ये लिख दी बैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, बैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन और बैलेंसी ऑफ फास्फोरस। बताओ कौन बताएगा बैलेंसी ऑफ फास्फोरस, कौन बताएगा बैलेंसी ऑफ फास्फोरस, हाँ रंजना बोलो। सर याद नहीं। अरे याद क्या, यहाँ दिख रही है, इधर देखो वन टू थ्री फोर फाइव पांच बैलेंसी बच्चों, पांच बहुत इंपॉर्टेंट। ये अगला पॉइंट हो गया बैलेंसी ऑफ फास्फोरस, लिख दिया फाइव, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं काउंट करो, फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है जल्दी से, फाइव, बहुत वेरी गुड। देखो सब लोग पहचान गए, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर H3PO4 का ये नीट में पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो धीरे धीरे बनाना आ गया, आप आराम से समझो एक बार फिर बनाओ, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं फिर सॉल्व करना। आपका कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी बताइए, इसमें बना लिया सब लोगों ने? यस सर। कि नहीं बना पाए, बना लिया तुमने, बहुत बढ़िया। देखो अच्छा अब भले क्वेश्चन क्या आता है सर, क्वेश्चन तो बता दीजिए क्या आता है बच्चों, क्वेश्चन जो आता है ना इसमें, इसमें जो क्वेश्चन आता है इस पर ध्यान देना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें कितने OH है, तो बताइए कितने OH है जल्दी बोलो, थ्री सेवन, धीरे से इतने धीरे से। अरे बच्चों ये सामने दिख रहा है यार, एक OH दो OH और तीन OH, तीन OH है। ये जो H है ये एसिडिक होते हैं, वन टू थ्री एसिडिक। अच्छा H2SO4 जानते हो ना सर, H2SO4 जानते हो कि नहीं? यस सर। हाँ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये इसका नाम मैं लिख देता हूँ आर्थो फास्फोरिक एसिड, इसका नाम लिख देता हूँ आर्थो
फॉस्फोरिक एसिड। अब बताओ इसमें कितने एच ऑक्सीजन से जुड़े हैं, जल्दी बताओ कितने एच ऑक्सीजन से जुड़े हैं। थ्री। आराधना कितने एच ऑक्सीजन से अटैच हैं? थ्री। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, 2, 3 जो ऑक्सीजन से अटैच हैं ये एसिडिक होते हैं, जो एच ऑक्सीजन से अटैच होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो नंबर ऑफ एसिडिक एच कितने हो गए? 3। बच्चों ये हो गया ट्राइप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक, और इसमें OH 3 है, तीनों के एच एसिडिक है, तो ट्राइप्रोटिक और ट्राइबेसिक एसिड भी कहते हैं इसे, ट्राइबेसिक एसिड। तो अभी ये आपको अभी यहां नहीं पढ़ाना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने क्यों पढ़ाया, पहले तो नीट में आया है और दूसरा जब मैं इतनी मेहनत कर चुका हूं तो एक छोटी सी बात यदि मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम्हारे रास्ते बहुत सारे खुल जाएंगे, एक छोटी सी बात से रास्ते बहुत सारे खुल जाएंगे, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। तो ये जो एच है ऑक्सीजन से अटैच है, ऑक्सीजन से जो एच अटैच होते हैं वे एसिडिक होते, एक नोट अलग से लिख लेना क्या, कि जो एच ऑक्सीजन से अटैच होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर से, लिखिए अलग से नोट लिख के रेड बॉक्स में डाल दो। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई बताओ? 3। आप चाहे इसको ट्राइप्रोटिक बोलिए, चाहे इसको ट्राइबेसिक बोलिए, या बोलिए इसकी बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 3। बात एक ही है, बात एक ही है, ये तीनों बातें, चाहे ट्राइप्रोटिक बोलिए, चाहे ट्राइबेसिक बोलिए, चाहे बेसिसिटी 3 बोलिए, तीनों का एक ही मतलब है। नंबर आप एसिडिक एच बोलिए तो भी बात वही है। बताओ अब बात समझ आई कि नहीं आई तुम लोग को? यस सर, आ गई। ओके, आप ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछा जाए H3PO4 में फास्फोरस की बैलेंस कितनी है, तब तो आपको बना के देखना ही पड़ेगा, और ये सामने है तुम्हारे, फास्फोरस की बैलेंस है 5। देखो ऑक्सीजन की बैलेंस तो नॉर्मली सबको मालूम रहती, 2। हाइड्रोजन की बैलेंस सबको मालूम रहती, 1। ये सबको मालूम रहती है, तो तुम्हें भी मालूम होगी, पहली क्लास से मालूम है, और अपन तो बैलेंस ही पढ़ चुके हैं बच्चों लास्ट क्लास में, 2 क्लास पहले, याद करो। तो बैलेंस ही तुम पढ़ चुके हो, किंग हो यार बैलेंस ही के। तो ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, फास्फोरस 5 हो गई, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये, कोई भी फास्फोरस का एसिड बनाना, कोई भी फास्फोरस का एसिड बनाना बच्चों, तो सबसे पहला काम P डबल बॉन्ड और दूसरा काम POH करना, इसके बाद बचे हुए को अरेंज करना, उसके बाद बचे हुए को अरेंज करना। ये IIT में भी पूछा गया है और ये नीट में भी पूछा गया है, इतने सारे क्वेश्चन देखो आ गए हैं इसमें आपको, और मैंने इसलिए इंक्लूड किए इन सबको कि काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और आप बनाना सीख ले। मैं दूसरा दे रहा हूं, आप बनाना, आप सबको अपने मन से बनाना, इधर सामने देखो मैं दूसरा दे रहा हूं, ये चेंज कर दिया मैंने, H3PO4 की जगह मैंने कर दिया H3PO2, PO3 कर देता हूं पहले, H3PO3 कर दिया मैंने, इसका नाम है फास्फोरस एसिड। ये इसका तुम स्ट्रक्चर बनाओ, विद्या तुम्हें दे दी, ये विद्या है, ये है विद्या, ये दे दी तुम्हें मैंने, इसका स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी। Dance. बहुत बढ़िया डन। देखो सबसे पहला P डबल बॉन्ड हो और दूसरा काम ये, और अब ऑक्सीजन देखो, 2 ऑक्सीजन कंप्लीट हो चुके हैं आपके, आपको तो 2 ऑक्सीजन कंप्लीट हो चुके हैं आपके, ये देखो इसको मत देखो, 2 ऑक्सीजन पहला काम, दूसरा काम, अब 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन और बचा है, 1 ऑक्सीजन और बचा है, ये देखिए 1 ऑक्सीजन मैंने इस तरह से कर दिया, अब क्या बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इससे हाइड्रोजन जोड़ दो, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन 3 है, तो देखो हाइड्रोजन हो गया 1 2
थ्री, ऑक्सीजन हो गए 1 2 3, अब फास्फोरस एक हो गया। ऐसे करना है, आप ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे ये नहीं बनाया यहाँ वो जोड़ दिया, गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने विद्या दी सबसे पहले, क्या विद्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट इज पी डबल बॉन्ड ओ पहले बनेगा एंड पी ओ एच सेकेंड बनेगा, दो पहले बना डाले इसके बाद सारे काम कर डाले, अरेंज कर लो, और इसका नाम फास्फोरस एसिड है। अब बताओ, आप सामने देखना, बताइए पी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, ये तो सभी एसिड का कैरेक्टर है। अब जो आपको नीट में क्वेश्चन अगला आया, कोई भी फास्फोरस का एसिड हो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंट फीचर है उसमें पी डबल बॉन्ड और पी ओ एच होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। बोलो समझ आ गई बात, एनी फास्फोरस एसिड पी डबल बॉन्ड एंड पी ओ एच बॉन्ड मस्ट बी एसेंशियल, ये बोलो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर कि नहीं हुआ बच्चों? यस सर, यस सर। तो हाँ, अब बताओ वैलेंसी आप ऑक्सीजन वही 2 दिख रही है, वैलेंसी आप हाइड्रोजन वही 1 दिख रही है, एक ही बॉन्ड है ना, और हाइड्रोजन बना रहा है, देखो यहाँ हाथ रख दो, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं हाइड्रोजन से बनाते हुए, 1, ऑक्सीजन से बनाते हुए 2, ऑक्सीजन से बनाते हुए 0, और फास्फोरस से बनाते हुए 1 2 3 4 5, वही चीज है सारी। और ध्यान से अगली बात, OH कितने है इसमें, देखो 2, कितने OH है, देयर इज 2 OH, OH तो 2 है, और वो H जो ऑक्सीजन से अटैच है वो 2 है, तो बताओ ट्राइप्रोटिक होना चाहिए कि डाइप्रोटिक होना चाहिए, डाइबेसिक, तो बेसिसिटी इसकी 2 हो गई। इसको देख के नहीं बोलते, इसको देख के बोलते हैं, इसलिए समझाया। और नीट में ये क्वेश्चन कई बार आया, यही वाला क्वेश्चन नीट में कई बार आया है कि ये कैसा है, तो ये बेटा डाई बेसिक है, इसकी बेसिसिटी 2 है, और लोग क्या करते हैं तुरंत देखा इसको और 3 लगा दिया, बोले H3PO3, बोले H2SO4 में 2 होते हैं तो H3PO4 में 3, H3PO3 में भी 3, नहीं, यही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये 1 2 1 2, चलिए लिखिए इसको बना लो। बना लिया आप लोगों ने? यस सर, यस सर। अब घर पे करने के लिए आपको एक और दे देते हैं, H3PO2, ये आप करिए, H3PO2 को बनाइए, या इसका नाम है हाइपो फास्फोरस एसिड, हाइपो, इसको आप घर पे बनाइएगा और ये सारी चीजें लिखिएगा। तो मेन क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम समझ आ गए होंगे, देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का इंपॉर्टेंस क्या है, इससे मैंने आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का इंपॉर्टेंस समझा दिया, पहला इंपॉर्टेंस है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का, ठीक है, फिर आपको दूसरा इंपॉर्टेंस समझाएंगे अगली। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का पहला इंपॉर्टेंस देखो, आप आराम से प्रोटिक एसिड बेसिसिटी क्या है क्या नहीं, उसकी बैलेंसी सब, कितने बॉन्ड बना रहे हैं कितने नहीं, सब एकदम बना सकते हो, काफी सारी बातें आपको इसकी आ जाएंगी। तो मुझे लगता है 3 केस मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझा है, इन तीनों केस से आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए। चलिए अगला आप टॉपिक डालिए, अगला टॉपिक है मेरा टॉपिक के पहले मेरा क्वेश्चन है, IF7
ऑक्टेट लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, बस ये क्वेश्चन बताना है। IF7 ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता, बस ये आंसर देना है आपको, यस आर नो। और अगर मैं रीजन पूछूं तो वो भी बताना है। तो आप बनाएंगे IF7 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जल्दी से सब जानते हैं आयोडीन जो होती है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से फ्लोरीन भी उसी ग्रुप का मेंबर है, उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। तो अब आपको आई एफ 7 बनाना है बच्चों। ये देखो आई, सब ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन बच्चों, फ्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए एक बार फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये देखिए ये 2 4 6 7 ये 8 कंप्लीट हो गया। फ्लोरीन के नंबर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करिए वैलेंसी शेल में, हो गए 8 कंप्लीट, देखो हो गए 8। यस सर, यस। लेकिन आपको तो बनाना आई एफ 7, अगला आई एफ 7 ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए और ये देखिए। अब फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, जैसा इसमें है वैसा सभी में है, लेकिन आयोडीन के लिए देखेंगे, ध्यान से देखना है और आप पाएंगे कि भैया 2 4 6 8 10 12 14 इसमें तो 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, यानी बच्चों ये तो बहुत ज्यादा, 8 से कितना 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन यार। तो ये तो बच्चों क्या हो रहा है, ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल है, ना कि ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट का नहीं है, ऑक्टेट को डिस ओवे कर रहा है। तो आंसर हो गया डिस ओवे ऑक्टेट, ठीक है, ऑक्टेट को डिस ओवे किया। फिर किसका एग्जांपल बन गया, ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल बन गया, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। बोलो समझ आ गया, ऑक्टेट से बहुत ज्यादा है, 9 हो जाए तो भी ऑक्टेट से ज्यादा, 10 11 12 13 14 कितने भी हो जाए वो सब ऑक्टेट से ज्यादा बेटा एक्सपेंडेड ऑक्टेट के एग्जांपल बन जाएंगे। बोलो दोनों बातें समझ आ गई? यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग को ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल से जो डिसओवे कर रहा है वो, उनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब बातें आ गई कि नहीं समझ में, जल्दी बताओ। यस सर आ गई। यस सर। तो धीरे धीरे आप बड़े बड़े एग्जांपल भी करने लगेंगे, बस पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए छोटे नदी में तैरना चाहिए, कम पानी में तैरना चाहिए। कम पानी में तैरना आ गया ना, पर तैरना आ जाए तो कम पानी में भी तैर सकते हो, तैरना आ जाए तो ज्यादा पानी में भी तैर सकते हो, पर तैरना पहले आना चाहिए। जिसको तैरना आ गया फिर उसको डर नहीं, पानी ज्यादा हो कम उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आपको समझाते हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात पे ले चलते हैं, आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना, लिख के फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना टॉपिक है हमारा, फॉर्मल चार्ज। ये फॉर्मल चार्ज है, इसे समझने के लिए पहले मैं आपको फार्मूला समझा दूं, ठीक है, और एक एग्जांपल दूं तो आप बहुत आराम से इसको समझ पाओगे। इधर देखो सब लोग, फॉर्मल चार्ज के लिए पहले हम एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल लिखता हूं O3 का, ओजोन का लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हमको, ओजोन का लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो बच्चों इधर देखना सब लोग, है ना, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं,
इस तरह से छह इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह। ये देखो कोई भी कहे ऑक्सीजन में कितने, ऑक्सीजन किस ग्रुप का मेंबर है, ऑक्सीजन किस ग्रुप का मेंबर है, 16 ग्रुप का मेंबर है, और ओल्ड पीरियाडिक टेबल के हिसाब से 6 का मेंबर है, ज्यादा फायदा होता है 6 का मेंबर, 60। तो जैसे ही हमको पता चला यार ये तो 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, ऐसे दूसरी ऑक्सीजन बनाओ, ये देखो मैंने ये दूसरी ऑक्सीजन बना दी, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये इससे बॉन्ड बन गया, ये इससे बॉन्ड बन गया, ये देखिए ये नॉर्मल बॉन्ड बन गया। मैं आपको अभी उसका वो तरह उस तरह से भी समझा दूंगा, नॉर्मल ऑक्सीजन जो अपन इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन वो ऐसी है, इस तरह से है कुछ, अभी पूरी सही नहीं है ये, लेकिन आगे जब पढ़ोगे ना मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी तब समझ में आएगा कि ऑक्सीजन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। फिर ऑक्सीजन दूसरी बना रहे हैं अपन, ये देखिए ऑक्सीजन दूसरी है, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए 2 4 6, ये देखो इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, ये जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया इसके साथ इस तरह से। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर देखना मेरी तरफ तो तुमको बात समझ आ जाएगी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन, दोनों ने बॉन्ड बना लिया, ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, ये आ गए दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में। दूसरा तरीका देखना, ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, दोनों ने बॉन्ड बनाया, अभी ये दोनों फ्रेंड है, बोले तेरे पास कितने रुपए, एक, मेरे पास भी एक, बोले अपन चलते हैं चलो कुछ खाएंगे पिएंगे, ये दोनों ने शेयर कर लिया। यहाँ पर बोले तेरे पास कितने यार, मेरा जेब खाली, बोले मेरे पास है, तू चिंता मत कर 2 समोसे आ जाएंगे, ठीक बात। तो ये जो बॉन्ड बना, ये देखो ये बन गया, अब बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर दिख रहा है, बताओ जल्दी से। कोवेलेंट कोऑर्डिनेटेड नहीं, अंतर वह इसको छोड़ो, इन दोनों को कैसे आप देखो तो क्या लग रहा है तुमको, एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बताओ सर, पहले वाले में शेयरिंग हो रही है, इसको मत देखो केवल इसको, इसको देखो दोनों सेम दिख रहे हैं सर, इसमें इसमें बन रहा है इसको, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसका नाम हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें पूरा खाली ये बना, ऐसा हम लिख देते हैं इसको, ऐसा इसको दिए ऐसा, ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अलग से ऐसा बना लेना तुम, कभी गलती नहीं होगी तुमको। तो ये अलग से बना लेना, आगे अपन समझते रहेंगे, अभी मैं इसमें भी समझाता हूँ, देखो तुमको मजा आएगा। ये बना लिया तुम लोगों ने, ये समझने का है क्या, जैसा ये दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है तो दोनों सेम है, इसका मतलब फिर क्या। तो बच्चों थोड़ी सी बात समझ रहे कि यार जैसा ये बॉन्ड बना रहा है अलग अलग इलेक्ट्रॉन से, इसने क्या किया, इसने क्या किया, एक एक मिलके इनने क्या किया, चल तेरे पास पूरे पैसे, मेरा जेब खाली, अपन दोनों तब भी बना लेते हैं, ये बन गया। तो इस तरह से बच्चों एक कोऑर्डिनेट कहलाने लगता है और दूसरा कोवेलेंट कहलाने लगता है, दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन इधर देखो वही काम इसमें हुआ, ये गया इसको इस तरह से और ये बन गया ऑक्सीजन का मालिक, ओजोन का मालिक्यूल। इस एटम का नाम मैंने दे दिया ए एटम, इसका नाम दे दिया मैंने बी एटम, इसका नाम दे दिया मैंने सी एटम, 1 2 3 भी दे सकते हो, ए बी सी भी दे सकते हो। बोलो ओजोन में कितने ऑक्सीजन एटम है, ओजोन में कितने ऑक्सीजन एटम है, 1 2 3 3। तो बच्चों ये 3 एटम जो है, ये 3 एटम जो है ये ट्राई एटोमिक हो गई, ये ट्राई एटोमिक, जैसे O2 डाई एटोमिक, O2 डाई एटोमिक, H2 डाई एटोमिक, N2 डाई एटोमिक, ये हो गए ट्राई एटोमिक। अब मुझे इन पर फॉर्मल चार्ज देखना है, फॉर्मल चार्ज तो ध्यान से समझना, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, फॉर्मल चार्ज FC दैट इज फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, अच्छे से सुनना, नंबर n का मतलब नंबर ऑफ
वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, फ्री जब रहे, जब फ्री एटम रहे, जैसे ऑक्सीजन जब फ्री था तो उसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने थे, बोलो कितने, सिक्स, फ्री एटम, फ्री एटम, जब कोई वो बॉन्ड नहीं बना रहा है तब, ठीक है, जब वो बॉन्ड नहीं बना रहा है तब कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस, ये देखो आपने सब जगह 6 देख रहे हैं, देखो जब अभी बॉन्ड नहीं बन रहा है 2 4 6, अभी ये बॉन्ड नहीं बना रहा, ये बॉन्ड नहीं बना रहा, देखो कितने इलेक्ट्रॉन 2 4 6, तो फ्री नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बॉन्ड नहीं बना रहे, देखो ये बॉन्ड नहीं बना रहा, ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहे, ये वाला बना रहा, ये वाले बना रहा, ये नॉन बॉन्डेड है, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक हो गया नॉन बॉन्डेड, एन का मतलब नॉन बॉन्डेड है, तो यहां देखो ये बॉन्डेड है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उनका हाफ, मैं एटम ए का निकाल रहा हूं, एटम ए में, ये एटम ए में, तो बच्चों फॉर्मल चार्ज एटम ए में आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, बोलो जब ऑक्सीजन फ्री थी तो उसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने थे, सिक्स माइनस, अब इसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये दो, ये तीन और ये चार इसके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए, ये चार लिख दिया माइनस हाफ, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सामने देखो इधर मेरी तरफ, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये देखो, ये और ये दोनों के बीच में बॉन्ड है, ये और ये दोनों के बीच में बॉन्ड है, तो ये दो ये चार और दो ये छह बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, ये अरे मुझे इसके देखने थे, एक ही देखने थे, एक है, ये देखिए ये दो चार, ये चार इसके भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ये दो और ये चार, ऐसे चार, ये चार हो गया, और अब इसे सॉल्व करो कितना आया काउंट करो, इतनी देर लगती है काउंट करने में, जीरो, वेरी गुड, देखो इसका फॉर्मल चार्ज जीरो हो गया, इसका फॉर्मल चार्ज बच्चों जीरो हो गया, अब इसमें दिमाग लगाना है बी एटम में, एटम बी की मैं बात कर रहा हूं फॉर्मल चार्ज की, तो बच्चों जब भी फ्री एटम हो तो उसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो वैलेंसी सेल के, तो सिक्स माइनस इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये देखिए नॉन बॉन्डिंग, ये लिखा है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग दो हो गए माइनस, ये दो दिख रहे हैं नॉन बॉन्डिंग, अब बॉन्डिंग ये देखो ये पूरे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसके, ये देखिए बॉन्डिंग में काउंट करिए, ये दो, ये चार, ये दो इसके भी है, तो दो चार और ये 2 6, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, और उसका हाफ काउंट करिए कितना आता है, काउंट करिए कितना आता है, 1 प्लस 1 की माइनस 1 सर, +1 सर, +1 ये आ गया चार्ज +1, अब तुम अपने मन से इस वाले एटम का फॉर्मल चार्ज मन से कैलकुलेट करके देखो, सर ए और सी का सेम नहीं होगा क्या, नहीं अब तो इसको क्या, इसको मत देखो तुम, तो इसको देखो, सबसे पहले बताओ नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसके देखो इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सी के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन केवल देखना है, तो बच्चों सी के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में केवल ये दो है, ये अब ना इसके हैं ना इसके, ये दोनों के हैं, तो दो ये दो इसमें भी काउंट होंगे और ये दो इसके साथ भी काउंट होंगे,
तो ये दो दोनों के साथ काउंट होंगे, ये देखिए, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके हो गए दो इंटू हाफ। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें कितने, दो चार छह, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए छह। और अब काउंट करिए कितना आता है, अब आया समझ में कि नहीं आया? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो, नॉन बॉन्डिंग दो चार छह, और कितना आता आंसर बताइए, माइनस वन। अब बच्चों ए बी सी तीनों के फॉर्मल चार्ज आपके सामने है, यानी मैं बोलूंगा इस ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कुछ भी नहीं है जीरो, इस पर फॉर्मल चार्ज है प्लस वन, इस पर फॉर्मल चार्ज है माइनस वन। समझ आ गया अच्छे से? यस सर। तो इसको बना डालिए, लिख डालिए। हो गया बच्चों? यस सर। तो क्लीन किया जाए। एक ये एग्जांपल मैंने आपको दिया, इस एग्जांपल का बेस लेकर के आपको कुछ इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन दे रहा हूं, दो तीन क्वेश्चन है। पहला, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड पर, इस पर दोनों पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन और ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कीजिए। और SO2 के सल्फर और ऑक्सीजन पर कैलकुलेट कीजिए। चलिए और आपको देते हैं, CO2 हो गया, SO2 NO हो गया, आपको CO3 आयन पर चार्ज कैलकुलेट कीजिए। ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2, ये चार्ज अलग है, आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए दे रहा हूं मैं। ये पूरे CO3 पर -2 चार्ज है। आप सबके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहला काम क्या है जल्दी बताओ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप पहले बना लेंगे और फिर ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये फार्मूले में किसी को दिक्कत तो नहीं है? मैं एक बार और लिख देता हूं, ये देखो, NV का मतलब है नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। फ्री एटम का मतलब जब वो बॉन्ड नहीं बना रहा हो तब उसमें कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, उनकी बात की जा रही है। दूसरा, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जिस पर आप चार्ज कैलकुलेट करने जा रहे हैं उस एटम के, नंबर ऑफ सभी में आएगा। और तीसरा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, यहां नॉन है, नॉन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये ऐसा आपका, ये आपका कभी गलती ना हो इसलिए मैंने दोबारा फिर से लिख दिया आपको, ठीक है बच्चों? जैसा याद रखना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बस। पर ये हाफ मत भूल जाना। चलो अब ये तुम चार क्वेश्चन घर पे करना और फिर NCERT में दिए हुए वो करना। आगे बढ़े? यस सर।
अभी आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, बहुत सारी चीजें आएंगी इनमें, फॉर्मल चार्ज अच्छे से सीख लो, ठीक है। तो ये फॉर्मल चार्ज मुझे लगता है सबको बड़े आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है, चलिए अब अपन पढ़ने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्डिंग बोलिए या आयनिक बॉन्ड बोलिए, कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड, कोई बताएगा मुझे आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? लूज और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। पहली चीज, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो इधर, ये देखो, ये दो है, ये दो है, कहीं भी आप कैसे भी लिख सकते हैं, तो ये दो रखे हैं, ठीक है। यहां देखिए, ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन बाहर, ये पॉजिटिव हो गया और ये कंप्लीट इसने गेन कर लिया है, देखिए। तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और इनके बीच पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच जो अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन का नाम है आयनिक बॉन्ड। सोचो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इधर, ये जो इलेक्ट्रॉन जिसने ट्रांसफर किया था, ये जो होगा, ये नेचर में इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा और ये नेचर में इलेक्ट्रो निगेटिव होगा। इलेक्ट्रो निगेटिव माने इलेक्ट्रॉन को ले लेने वाला, और इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट कहलाता है, ये देने वाला इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाता है। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रो निगेटिव। अरे इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले, खींच ले पेयर, ऐसा थोड़ा सा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो ये मैंने साथ में जोड़ दिया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव। अरे इलेक्ट्रॉन देगा तो निगेटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बस। तो ऐसा एक बार इसको लिख ले, इस डेफिनेशन को। हो गया बेटा? यस सर। अब देखो, कल तुमको बड़ा प्यारा एग्जांपल एनएससीएल का दिया था मैंने, अपन ये पहले डेफिनेशन समझते हैं और छोटा सा फिर से वही एग्जांपल समझते हैं। एनए, ये देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन है एनए के पास, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब जानते हो ना, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये जो मैंने डार्क किया है ना, ये इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2 और ये 8 और ये 1, ये 2 8 1, ये बच्चों जैसा 2 8 1, ये अपन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये रिप्रेजेंटेशन Cl या F ले लो, छोटा और F, इसको कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p5, ये देखिए 2 और ये देखिए 7, ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब बताओ इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ ज्यादा, ये डार्क किया हुआ जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ये इसको ट्रांसफर कर दिया इसने, और जैसे ट्रांसफर किया तो इस पर आ गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव, ये बचा
टू और एट, ये देखिए आपके सामने टू ये एट ये, और ये ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ये सामने आप, क्लियर हो गया ना सबको? यस सर। और एफ ये बन गया, ये देखिए ये नेगेटिव दो चार छ सात, और ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये नेगेटिव। अब बच्चों इसमें और इसमें, ये जो पॉजिटिव आयन बना इसमें और इसमें नेगेटिव आयन में, ये अट्रैक्शन होता है, ये अट्रैक्शन जो आपको दिख रहा है, ये जो अट्रैक्शन आपको नजर आ रहा है, इस अट्रैक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी अट्रैक्शन का नाम होता आयनिक बॉन्ड, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं कूलॉम्बिक फोर्स, और यही आपका बनता है आयनिक बॉन्ड, ये बन गया आपका आयनिक बॉन्ड। बच्चों समझ आई बात कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड? ये पहले सिंपल बात समझाई है मैंने, सिंपल। तो आगे हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम ने इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ने गेन किया पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रो नेगेटिव ने गेन किया नेगेटिव चार्ज, और उनके बीच जो अट्रैक्शन हुआ, ये मेन डेफिनेशन हो गई कि अट्रैक्शन बिटवीन केटायन और एनायन, अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड विच इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब बताओ आयनिक बॉन्ड एकदम सही समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आगे बढ़ाते हैं बच्चों, लिख लिया तुम लोगों ने? यस सर। अब देखो कोई भी एग्जांपल देना हो तुमको तो एग्जांपल एस ब्लॉक एलिमेंट जो कि होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये लिथियम वगैरह, और होते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम रेडियम, ये वाला तो बेरिलियम को छोड़ देंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आपका फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब कैसे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक एलिमेंट जनरली ये होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव, इनके बीच अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड। एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच नॉर्मली आयनिक बॉन्ड बनता है, जैसे अपन ने ये वाला एग्जांपल लिया हेलोजन है ये, चलिए बना ये हटा दें आप ये। यस सर। तो हम कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे एनए ले लिया और इस तरफ से एफ ले लिया, एनए ले लिया और सीएल ले लिया, ठीक है एनए ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया तो एनए टू हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंस ही दो होती है, एनए ले लिया और एन ले लिया तो एनए थ्री एन हो जाएगा, ये सोडियम फ्लोराइड इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड ऐसे सोडियम ऑक्साइड
सोडियम नाइट्राइड नाइट्राइड ऐसे। तो इस तरह से हम इस पर ये नाम लिख सकते हैं। तो वीडियो ऑफ हो गई आपकी। बैटरी उसकी क्या है, बैटरी कम हो गई उसकी। चलिए तो आप ये एग्जांपल समझ गए अच्छे से, ऐसे आप किसी के साथ भी बना सकते हैं, फटाफट एग्जांपल लिख सकते हो एस ब्लॉक के। ये मैंने एफ ले लिया, अगर सी एल ऑक्सीजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, तो इस तरह से आपका कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बन जाएंगे। और आयनिक कंपाउंड का जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। जल्दी लिखिए। हो गया ओके। चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ आने लगा होगा। अब आप किसी के बीच भी आयनिक बॉन्ड को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। और एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, क्लोरीन, कैल्शियम की दो वैलेंसी होती है, क्लोरीन की एक होती है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्राइड, Ca3N2, कैल्शियम नाइट्राइड नाम हो जाएगा। ऑक्सीजन पर, क्लोरीन पर चार्ज -1 होता है, ऑक्सीजन पर -2 हो जाएगा, नाइट्रोजन पर -3 हो जाएगा, कैल्शियम पर +2 हो जाएगा। तो कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए दो चाहिए, कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन एक ही चाहिए, ये +2 ये -2। और इस पर होता है +2 चार्ज, इस पर होता है -3 चार्ज, तो ये -3 इधर, ये देखिए, और ये इधर, चार्ज छोड़ देना तो बैलेंस हो गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो नाम बनाना कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्राइड, नाइट्राइड। यानी ये नाइट्राइड होता है जब -3 चार्ज के साथ नाइट्रोजन हो, तो नाइट्राइड है, ये ऑक्साइड है, ये क्लोराइड है। थोड़े ऐसे याद रखना है, थोड़ा थोड़ा मैं बताते जाऊंगा डेली, आपको समझ आते जाएगा। तो बच्चों आज आयनिक बॉन्ड की थोड़ी मोटी बातें समझ में आ गई तुम लोग को, कैसे आयनिक बॉन्ड बनता है। मैं कल नेक्स्ट क्लास में आयनिक बॉन्ड टोटल कैसे बनता है, उसमें कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, वो सब अगली क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे आयनिक बॉन्ड को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास समझ आ गई? यस सर। यस।